जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आरडी ब्रांच पे। तो साथियों, आपने प्रधानमंत्री रेल कौशल विकास योजना के बारे में सुना होगा, जहां की 18 दिनों की ट्रेनिंग होती है और यह ट्रेनिंग जो है 10वीं पास छात्र कर सकता है या फिर आईटीआई पास छात्र भी कर सकता है। तो इसमें जो है कुछ आईटीआई के ट्रेड होते हैं जहाँ की आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, 18 दिन का महज ट्रेनिंग होता है। और लघु उद्योग अगर आप करना चाहते हैं तो छोटे मोटे जो है अपना जो है बिजनेस, छोटा मोटा जो है आप दुकान उकान ये सभी चीज़ें खोल सकते हैं, मतलब कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का एक अच्छा जरिया है जहाँ की आपको नॉलेज भी हो जाता है। दूसरी बात कि आईटीआई में अगर आप पढ़ने आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके पहले आपको नॉलेज हो जाएगा कि बेसिकली मैं इस ट्रेड में क्या क्या पढ़ूंगा, ठीक है। तो लिमिटेड सीट होती है, रेलवे के लगभग सभी जोन से ये जो है हर महीने भर्ती निकलती है। तो इस मंथ का जो भर्ती है वो ऑनलाइन आवेदन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। देख लीजिए यहाँ पे पोस्ट डेट 7/4/2023 से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट जो रखा गया है 20 अप्रैल रखा गया है। पूरी जानकारी आप लोग को दी जाएगी इस वीडियो में। इसके पहले देखिएगा तो चैनल पे और सब भी अपडेट्स है। BHEL भर्ती आ चुकी है, फिर यहाँ पे रेलवे अप्रेंटिस का मेरिट लिस्ट आई है, देन यहाँ पे NMDC, टाटा स्टील, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, सेल, इस तरह की कंपनीज की बहुत सारी वैकेंसीज चैनल पर प्रोवाइड की जाती है। चैनल जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हमारा देखिए ऑफिशियल वेबसाइट है जैक टाइम्स, यहाँ पे हमने ये पूरा पोस्ट आप लोग के लिए दे दिया है। यहाँ पे पूरा आप लोग जो है PDF विद अप्लाई लिंक, कैसे अप्लाई करोगे सब कुछ इसमें हमने दिया हुआ है, तो इसमें आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे अप्लाई आप लोग कीजिएगा। नीचे में देखिए जैसे बढ़िएगा ऑनलाइन अप्लाई रजिस्ट्रेशन का है ये, और ये लॉगिन लिंक है, तो रजिस्ट्रेशन में आपको करना है और नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए अभी के लिए हम बात कर लेते हैं ये जो नोटिफिकेशन दिया गया है, देखिए क्या दिया गया है। तो ये जो ट्रेनिंग होगी आपके ना ये मई मंथ में होगी, ठीक है। ट्रेनिंग 18 दिन की होगी, मई मंथ में होगी, लेकिन इसका जो ट्रेनिंग है ये 7 से लेकर के 20 तारीख तक, मतलब जो ऑनलाइन आवेदन जो है किए जा रहे हैं जो कि ऑलरेडी स्टार्ट भी। एलिजिबिलिटी के लिए देखिए 18 से 35 वर्ष रखा गया है, 10th पास रखा गया है, ठीक है, एज होना चाहिए 18 से 35। सिलेक्शन मेथड किसमें होगा, मेरिट बनाया जाएगा आप लोगों का। अगर CBSE बोर्ड से बिलोंग करते हैं तो CGPA में 9.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो वो परसेंटेज में बन जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे जो है ऑफलाइन फॉर्म आप लोगों को नहीं डालना है। यहाँ पे देखिए जो भी आपको ट्रेनिंग मिलेगा उसके बाद आप जो है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का रेलवे में जो है दावा नहीं कर सकते हैं। रिजर्वेशन, कोई रिजर्वेशन यहाँ नहीं मिलेगा। 75% अटेंडेंस कंपलसरी है, 3 वीक की ट्रेनिंग होती है, लेकिन 75% अटेंडेंस में कम से कम आपका 18 दिन जो है यहाँ पे जाता है, 18 दिन का कोर्स होता है। देखिए पास क्राइटेरिया इसमें भी एग्जाम होगा जो कि 55% रिटर्न और 60% जो है प्रैक्टिकल में आपको देना होगा, ठीक है, मतलब इतना आपको अटेंड करना पड़ेगा। देखिए आप लोग को एक एफिडेविट भी लेके जाना होगा, सारे डॉक्यूमेंट्स को जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा वहाँ पे एक एफिडेविट लेकर जाना होगा जी, 10 रुपया का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर में होगा, ठीक है। और फिर आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, फिर यहाँ पे मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, फिर सिग्नेचर, फोटो सिग्नेचर, मेडिकल सर्टिफिकेट, ये सभी चीज़ें आपको रिपोर्टिंग करनी होगी। ये पूरी जानकारी थी। यहाँ पे देखिए स्टाइपन की जहाँ तक बात है तो स्टाइपन यहाँ पे आप लोग को नहीं मिलता है। हाँ, ट्रेनिंग आपको फ्री मिलता है बट रहने खाने का भी जो है आप लोग को अपने से ही देखना पड़ता है। पूरी जानकारी यहाँ पे जो भी है डिटेल्स आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अप्लाई करने की हम बात कर लें यहाँ पे, तो यहाँ देखिए आप लोग अप्लाई करने का ये रहा जो कि आपको लिंक भी प्रोवाइड किया है, अप्लाई हेयर, यहाँ पे आवेदन करें, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। नोटिफिकेशन नंबर तो ये जगह 7/4 इस तरह से भरना है, जो भी स्टेट से बिलोंग करते हैं यहाँ डाल दीजिए जैसे, ठीक है, जो भी है। अब यहाँ पे देखिए झारखंड में जैसे 2 है, ठीक है, तो यहाँ कहाँ से करना चाहिए, टाटा या फिर देखिए CKP डिवीजन। तो यहाँ पे हमने इसे टाटा सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद सर्च किया, उसको फिर आगे साइन इन करना होगा, मतलब रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये पूरी जानकारी थी, उम्मीद करते हैं आपको पूरी जानकारी समझ में आई होगी। तो साथियों आज के लिए इतना ही, इस तरह की अपडेट्स, इस तरह की जो है जो भी भर्ती आती है आपको प्रोवाइड करते रहते चैनल पर डेली बेसिस पे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।